आज हम बनाएंगे सत्तू का पराठा और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। आटे में नमक और अजवाइन को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथना है। आटे को सॉफ्ट गूंथें। आटे को ढककर 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे। अब पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने पराठे की स्टफिंग के लिए 1 कप सत्तू, 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच बारीक कटा अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 बारीक कटी प्याज, 1 चम्मच सरसों का तेल, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब चलते हैं पराठा बनाने की प्रोसेस में। आटे को पहले थोड़ा सा मसल लें, फिर थोड़ा सा आटा लेकर लोई बनाएंगे और उंगली और अंगूठे की सहायता से इसे एक प्याले की शेप दे देंगे। अब इसमें सत्तू की स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भर के इसे बंद कर देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाकर बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर पराठा डाल देंगे। पराठे को दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगाकर सेकना है। आप देख ही सकते हो मेरा पराठा कितना अच्छे से फूल रहा है। हमारा सत्तू का पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह बाकी बचे हुए पराठे भी सेक लेंगे। अब टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग, 4 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और इसमें डाल दिया है, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है। सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 गिलास पानी डाल दें और ढककर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी। चीनी डालकर सिर्फ 1 मिनट पकाएं। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी या सब्जी बनकर तैयार है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।